हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। आज मैं आपके लिए जनवरी महीने के सभी डेज़ की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप जो है जनवरी महीने के सभी डेज़ याद रख पाएंगे। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जनवरी महीने के सभी डेज़ मैं आपको इस तरह से घोल कर पिला दूँगा कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @itsgkgroup। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जो ट्रिक है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यही हमारी ट्रिक है। एक बार मैं आपको इसको पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इस ट्रिक से क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। गांधी जी सभी को एक ग्लोबल फैमिली मानते थे। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 साल की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनके आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 12 साल की उम्र में गांधी जी युवा हो गए और 15 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। 24 साल की उम्र में उनके घर एक गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ। 25 साल की उम्र में उन्होंने दो काम किए, पहले मतदान किया और फिर टूर पर चले गए। 26 साल की उम्र में उन्होंने जब घर वापस आए तो लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। आगे 30 साल की उम्र में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग से लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम इस कहानी से क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तो जैसे गांधी जी सभी को एक ग्लोबल फैमिली मानते थे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से मिलता है कि 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली दिवस। उसके बाद दूसरा है, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, स्लोगन क्या था? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से हमारा बनता है ब्रेल दिवस, यानी 4 जनवरी को होता है ब्रेल दिवस, क्योंकि ब्रेल दिवस जो है वो अंधे लोगों के लिए मनाया जाता है, यानी अंधे जो लोग होते हैं उनके लिए दिन और रात एक बराबर होता है, यानी उनकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा होता है। आगे देखते हैं, 9 साल की उम्र में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनके आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 साल की उम्र में उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी 10 साल से हमारा बन जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस। आगे देखते हैं, 12 साल की उम्र में गांधी जी युवा हो गए, यानी 12 साल से हमारा बन गया 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। आगे देखते हैं, और 15 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, यानी 15 साल से हमारा बन गया 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। 24 साल की उम्र में उनके घर गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ, 24 साल से हमारा बन गया 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों गर्ल चाइल्ड डे। 25 साल की उम्र में उन्होंने दो काम किए, पहला काम जो था वो था मतदान दिया, इससे हमारा बन गया मतदाता, यानी 25 साल से मना 25 जनवरी और मतदान से बन गया मतदाता, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। और दूसरा जो काम किया वो था टूर पर चले गए, यानी टूरिज्म डे जो है वो भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 26 साल की उम्र में जब वह घर वापस आए तो लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, यानी 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस। आगे देखते हैं, आगे है 30 साल की उम्र में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, यानी 30 साल की उम्र में उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, यानी 30 साल से हमारा बन गया 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों कुष्ठ रोग डे, कुष्ठ रोग डे। और कुष्ठ रोग से लड़ते लड़ते 30 साल की उम्र में शहीद हो गए, यानी 30 साल का बन गया हमारे पास 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है शहीदी दिवस। अब दोस्तों, आप इस वीडियो को
पॉज कर कर एक बार खुद से इस ट्रिक को पढ़ें और फिर जो आगे क्वेश्चन है वो लगाएं, इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों गांधी जी की एक ग्लोबल फैमिली थी, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस से हमने क्या रिलेट किया था कि गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, स्लोगन क्या था, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन से हमारा बन गया 4 जनवरी, अंधेरी रात से हमारा बन गया अंधे लोगों के लिए ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को हमारा हो गया ब्रेल दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को दोस्तों हमारा क्या था, 1 जनवरी से हमने रिलेट किया था कि गांधी जी की एक ग्लोबल फैमिली थी, तो हमारा क्या बन गया यहाँ से, ग्लोबल फैमिली दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम सभी ऑप्शनों को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है वो है 4 जनवरी, तो हमें पता है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 4 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है ब्रेल दिवस। इससे हमारा ट्रिक कैसे निकला था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी, 4 से बन गया हमारा 4 और 4 जनवरी, यानी फिर अंधेरी रात से हमारा बन गया था अंधे लोगों के लिए, तो यहाँ से बन गया था हमारा 4 जनवरी जो ब्रेल दिवस। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 1 जनवरी, 1 जनवरी से हमारा क्या रिलेट हुआ था कि गांधी जी सभी को एक ग्लोबल फैमिली मानते थे। इसके बाद आ गया 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 9 साल की उम्र में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो लोगों ने क्या किया था, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 10 जनवरी, 10 जनवरी में क्या हुआ था दोस्तों, 10 साल की उम्र में गांधी जी को हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, इससे हमारा हो जाएगा 4 जनवरी, 4 जनवरी हमें पता है क्या होता है, ब्रेल दिवस होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी, 2 जनवरी को दोस्तों कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। इसके बाद है सी, यानी 9 जनवरी, 9 जनवरी होता है हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस, कि गांधी जी 9 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उनके आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 जनवरी, 10 जनवरी से हमारा बन गया 10 साल, 10 साल की उम्र में क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी को हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ था, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस, विश्व हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी ऑप्शन देखेंगे जिससे कि हमें जो है ट्रिक वो अच्छी तरह से याद हो जाए, यानी पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कि 4 जनवरी, 4 जनवरी को हमें पता है क्या मनाया जाता है, ब्रेल दिवस। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है, 10 जनवरी, यानी 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ था, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हिंदी भाषा दिवस। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या हुआ था, 9 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 12 साल की उम्र में गांधी जी युवा हो गए थे, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आर्मी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे,
तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 जनवरी। 9 जनवरी जो है हमें पता है क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ऑप्शन नंबर बी, बी जो है 4 जनवरी, चार जनवरी जो है उस दिन मनाया जाता है ब्रेल दिवस। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या हुआ था, जो है 12 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी युवा हो गए, तो क्या मनाया था, युवा दिवस। उसके बाद 15 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने 15 साल की उम्र में क्या की थी, आर्मी ज्वाइन की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस से हमारा क्या है, 4 जनवरी। ब्रेल दिवस से हमारा क्या बन गया, 4 जनवरी। इससे हमारी ट्रिक थी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी युवा दिवस। तो गांधी जी युवा कब हुए थे, 12 साल की उम्र में, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है गर्ल चाइल्ड दिवस। तो 24 साल की उम्र में क्या हुआ था, गांधी जी के घर एक गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। तो गांधी जी ने आर्मी किस साल ज्वाइन की थी, तो 15 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, तो 15 जनवरी का बन गया आर्मी दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शनों को देखेंगे, पहला ऑप्शन है 25 जनवरी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 25 साल की उम्र में क्या किया था गांधी जी ने, दो काम किए थे, पहले तो मतदान किया था और फिर टूर पर चले गए थे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है। बी क्या है, 10 जनवरी। तो 10 साल में क्या, 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, गांधी जी को हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ था। और 12 जनवरी को क्या हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था जो महात्मा गांधी थे वो युवा हो गए थे, और 15 साल की उम्र में, यानी 15 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस। और 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस, और 15 जनवरी को आर्मी डे। और 25 जनवरी को 2 दिन मनाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो गांधी जी ने क्या किया था, मतदान किया था, और उसके उसके बाद क्या किया था, टूर पर चले गए थे। तो यहाँ से बन गया हमारा टूरिज्म डे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रेल दिवस। तो हमें पता है ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी को। इससे हमारी ट्रिक थी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी यानी मतदाता दिवस। तो 25 साल की उम्र में गांधी जी ने दो काम किए थे, एक तो मतदान किया था और बाद में टूर पर चले गए थे। अगला है ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा दिवस। तो गांधी जी को 10 साल की उम्र में जो है हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ था। अगला है ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र दिवस। तो गांधी जी जो थे जब वे टूर से वापस आए थे, तो लोग 26 जनवरी को क्या कर रहे थे, गणतंत्र दिवस मना रहे थे। तो इससे हमारा हो गया 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, 24 साल की उम्र में गांधी जी के घर एक गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ था। तो हमारा यहाँ से बन गया 24 जनवरी का क्या बन गया, गर्ल चाइल्ड दिवस। 25 जनवरी को जैसे मैंने बताया था कि दो काम किए थे, क्या क्या, एक तो मतदान किया था, इससे बन गया हमारा मतदाता दिवस, और एक और क्या किया था, टूर पर चले गए थे, तो यहाँ से बन गया हमारा टूरिज्म डे। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी यानी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को सभी को पता है क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी यानी 30 जनवरी। 30 जनवरी यानी 30 साल। 30 साल की उम्र में क्या हुआ था, गांधी जी को कुष्ठ रोग हो गया था और उससे लड़ते लड़ते वे 30 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। यानी 30 जनवरी से भी हमें 2 दिन मिलते हैं, एक तो होता है कुष्ठ रोग दिवस और दूसरा होता है शहीदी दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th,
शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि कर भला तो हो भला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।